हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्यारे प्रदेशवासियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया, उन्होंने देश की जनता का आभार व्यक्त किया। कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज 21 दिन का लॉकडाउन का कार्यकाल पूरा हुआ और ऐसी परिस्थिति में आज भी अभी देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष तौर से देश की जनता से आह्वान किया है कि मुझे कुछ और वक्त चाहिए इस देश के हर नागरिक की जिंदगी को बचाने के लिए। यह आवश्यक है ये लॉकडाउन की अवधि थोड़े वक्त और बढ़ाई जाए, और उन्होंने आज घोषणा की कि लॉकडाउन अब आगामी 3 मई तक जारी रहेगा, और हम सब लोग उनके इस निर्णय का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ लॉकडाउन के साथ साथ में हमने कर्फ्यू को अभी तक कायम रखा है, कर्फ्यू जारी रखा है। ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में भी कर्फ्यू 3 मई तक जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश में हमारे लिए खुशी की बात है कि कोई भी कोरोना वायरस का मामला हमारे हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से सामने नहीं आया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक राहत है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, हमको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान पूरे देश से किया है कि हम 20 तारीख तक सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करें, और हिमाचल प्रदेश में मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि 20 तारीख तक हम कर्फ्यू का पालन सख्ती के साथ जो हमने जो लागू किया है उसके अनुरूप करते रहें। हमने आज ये भी निर्णय लिया है कि जो स्कूल कॉलेज हमने अभी बंद किए थे वो अभी तक 3 मई तक बंद रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, हम इस बात से भी चिंतित हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को किस प्रकार से हम सुचारू रूप से चलाने की परिस्थिति में हो सकते हैं उसके लिए भी हम सरकार के स्तर पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कोरोना वायरस की इस लड़ाई में पूरे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, प्रदेश को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए संतोष का विषय है कि हम देश की और प्रदेश के नागरिक के जीवन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उनके जीवन को बचाने के लिए इस नुकसान को भी सहन करने के लिए तैयार हैं। ऐसी परिस्थिति में हम सब लोग और भी सहयोग के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है उस सहयोग को दें, और ये लॉकडाउन का जो आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उसका हम पालन करें। 20 तारीख के बाद अगर परिस्थितियां और बेहतर होती हैं, अगर कोरोना वायरस का कोई मामला हिमाचल प्रदेश में नया नहीं मिलता है, हम कोशिश करेंगे और बेहतर ढंग से हमारा जीवन जिस प्रकार से किया जा सकता है रोज़मर्रा के लिए उसके लिए हम निश्चित रूप से विचार करेंगे, उसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। कल हिमाचल दिवस है, हिमाचल दिवस की भी हम आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमने सोचा था कि हिमाचल प्रदेश में इस कार्यक्रम को बहुत भव्य तरीके से हम मनाएंगे, लेकिन जो वर्तमान में जो हालात हैं उस हालात को देखते हुए हमने इस कार्यक्रम को बहुत संक्षिप्त में आयोजित करने का निर्णय किया है। एक बार फिर से मैं आप सबका इस दौर में जो सहयोग मिला है उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, और ये सहयोग आने वाले समय में भी जब तक हमारा हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू 3 मई तक जारी रहेगा, जब तक हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते हैं तब तक के लिए आपका सहयोग बना रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।
स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।